आज वो मीडिया, जब उसकी चीखों की आवाज उसे क्यों नहीं सुनाई दे रही, आज उसके क्यों वो कान बंद हैं, आज उसकी आंखें क्यों बंद हैं, उन्हें वो नजर नहीं आ रहा उसके साथ क्या दरिंदगी हुई, आज वो मीडिया उसकी आवाज को क्यों नहीं उठा रहा, आज क्यों नहीं वो नौजवानों से अपील कर रहा, आज वो क्यों नहीं देश की जनता से अपील कर रहा। आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सादान खान। जिस तरीके से लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशा दूर से तमाशा होता देख रही है और महिलाओं पर अत्याचार होता देख रही है। इसी कड़ी में इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद रमेश पंडित मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं उस आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जिसको ने अपने दरिंदगों ने अपनी दरिंदगी से मार डाला, उसके साथ रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया, मैं नमन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उसे अपने चरणों में स्थान दे और उसके साथ जो ये घिनौना कार्य हुआ ऐसा भविष्य में किसी के साथ ना हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आज बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के अंदर देश की बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन, जब से भाजपा और दिल्ली में आपकी सरकार आई है, बलात्कार और रेप का एक नया दौर चालू हो चुका है। जगह जगह रोज़ हमें अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ बलात्कार की खबरें अखबारों टीवी के माध्यम से सुनने को मिलती हैं। हम आज इस मुद्दे पर आप टीवी चैनल और पत्रकार भाइयों से भी ये पूछना चाहेंगे कि जब दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था तो तब इसी चैनल ने पूरे देश की युवा शक्ति को, नौजवानों को और देश के लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था अपनी आवाज़ के माध्यम से कि आज एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, एक बेटी के साथ जुर्म हुआ है। आज वो मीडिया, जब उसकी चीखों की आवाज़ उसे क्यों नहीं सुनाई दे रही, आज उसके क्यों वो कान बंद हैं, आज उसकी आँखें क्यों बंद हैं, उन्हें वो नज़र नहीं आ रहा उसके साथ क्या दरिंदगी हुई, आज वो मीडिया उसकी आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहा, आज क्यों नहीं वो नौजवानों से अपील कर रहा, आज वो क्यों नहीं देश की जनता से अपील कर रहा। मैं मीडिया से अपील करना चाहूँगा कि मीडिया ने जिस प्रकार से जो भूमिका निर्भया के टाइम पे निभाई थी, आज उसको वही भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही साथ मैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार से पूछना चाहूँगा कि जिसने जब निर्भया कांड के नाम पर पूरी दिल्ली के अंदर बवाल मचा दिया था, दिल्ली की सड़कों पर कोहराम मचा दिया था, आज वो चुप क्यों बैठे हैं? आज केजरीवाल जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि बेटियों को बचाने की बात करते हो, बेटियों को पढ़ाने की बात करते हो, बेटियों को लिखाने की बात करते हो, और आज आपके भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, अनकाउंटर हो रहे हैं, और रोज़ कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है जो कि हमारे समाज के लिए हितकारी नहीं होती, उसके ऊपर आप जवाब क्यों नहीं देते? आज मैं मुख्यमंत्री योगी से पूछना चाहूँगा कि वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आएगी तो रामराज आ जाएगा, कहाँ है वो रामराज, कहाँ है वो उत्तर प्रदेश की सरकार? जब देखो आए दिन बलात्कार, जब देखो आए दिन रेप, जब देखो बहन बेटियों के साथ अपहरण की घटनाएं, जब देखो पूंजीपतियों व्यापारियों के साथ, काम करने धंधे वालों के साथ वो अत्याचार और जुल्म हो रहा है, सरेआम गोली मारी जा रही है। आज योगी सरकार, आपकी आँखें क्यों नहीं खुलती? बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों के वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब ये जुल्म और अत्याचार होता है तब आपके कान भी बंद हो जाते हैं, आपकी आंखें भी बंद हो जाती हैं और आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि इसके अंदर आप ही के लोग इन्वॉल्व होते हैं, आप ही के लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही के लोग बलात्कारों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ऐसे माहौल के अंदर आँखों में आंसू आते हैं, दिल रोने लगता है कि जब इस प्रकार के अत्याचार और जुल्म के बारे में हम अखबार और टीवी के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन पूरी तरह से उन चीज़ों को ना पत्रकार रख रहे, ना टीवी वाले रख रहे और ना सरकारें उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही। हम अपील करते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने हर एक मुद्दे के ऊपर दिल्ली के अंदर, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो श्रमिक का मुद्दा हो, या वो प्रवासी का मुद्दा हो, या कहीं बलात्कार की घटना की बात हो, या जुल्म और अत्याचार की बात हो, या कहीं पर गुंडागर्दी की बात हो, उसकी लड़ाई लड़ी है। हम आज केजरीवाल सरकार से ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो आज
जगह जगह ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, सबसे पहले उनको ख़त्म करें, और जो आपने सीसीटीवी कैमरे का वादा किया था पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, क्योंकि इनके बिना जो आपने झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके वोट लिए थे, इनके अलावा आप दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर सकते। ना महिलाओं मार्शलों को हम बस में देख पाते हैं, ना मेट्रो में देख पाते हैं, जगह जगह जुल्म और अत्याचार का नज़ारा नज़र आता है, महंगाई और बेरोजगारी का नज़ारा नज़र आता है। बिल्कुल, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मनीषा वाल्मीकि की जो हत्या कर दी गई या रेप हुआ उसके बाद उनकी मौत हो गई, आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया पर मांग चल रही है योगी सरकार इस्तीफा दो, सरकार पर कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, हम साथ ही साथ ये बात निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि योगी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो तो यूपी में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। चाहे कोरोना की बात करो, चाहे प्रवासी की बात करो, चाहे रोजगार की बात करो, चाहे गुंडागर्दी की बात करो, चाहे अपहरण की बात करो, या लूटमार की बात करो, या बलात्कार की बात करो, या रेप की बात करो, लेकिन उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही, क्योंकि उन्होंने तो सत्ता के मोह के अंदर सारी चीज़ों से अलग हटकर अपना एक अलग तरह का राज्य स्थापित कर लिया, जहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई करवाना, एक दूसरे भाई बहन को आपस में लड़वाना, उन चीज़ों के अलावा उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। विकास के लिए उनके पास कोई समय नहीं है, इन चीज़ों के लिए उनके पास समय है। और आप रोज़ वहाँ के अनेकों उदाहरण आपके सामने नज़र आते हैं कि किस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश का राज्य चला रहे हैं। हम उनसे तो इस्तीफ़ा मांगते हैं, साथ साथ हम केजरीवाल से भी इस्तीफ़ा मांगते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आज जनता को गुमराह कर रखा है, और यू टर्न वाली ये सरकार जनता के साथ जुल्म और अत्याचार कर रही है। बिजली के बिल अनाप साफ आ रहे हैं, पानी के बिल बढ़ते जा रहे हैं, पानी का निजीकरण होता जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, गुंडागर्दी बढ़ते चले जा रही है, सरेआम गोली मारी जा रही है, सरेआम अपहरण हो रहे हैं। तो ऐसे में हम दिल्ली सरकार को भी भंग करने की मांग करते हैं और उसके मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।